सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी टोलोन एप्लीकेशन में मेरे पास 41,720 पॉइंट हैं अभी, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ ही दिनों में सर्विस करके करे हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी अकाउंट की जो हिस्ट्री भी दिखा देती हूँ। रिसेंटली मैंने देखिए 2,000 के कितने सारे सर्विस किए हैं, 2,000 के, 1,600 पॉइंट के, 2,500 पॉइंट्स के। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सर्विस कंप्लीट करे हैं। और मैंने इन सर्विस को कैसे कंप्लीट करा है, आपको सर्विस यहाँ पे टोलोन एप्लीकेशन में किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अश्योर अर्निंग। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टोलोन एप्लीकेशन की। टोलोन एप्लीकेशन में सर्विस आपको किस तरीके से फिल करने हैं। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक वीडियोस बनाओ टोलोना में सर्विस कंप्लीट करने की, तो मैं आपके लिए ये वीडियो आज लेके आ चुकी हूँ। तो टोलोना में आपको तीन तरीके के सर्विस मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे सबसे छोटे सर्वे मिल जाते हैं जो कि 5 मिनट तक के होते हैं। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक के क्विक सर्वेज मिल जाते हैं। देन उसके बाद आपको मिल जाते हैं प्राइमरी सर्वे, जो कि आपके जो है 10 मिनट से ज्यादा बड़े टाइम के होते हैं, 10 से 30 मिनट के बीच में ये सर्वेज होते हैं। सो जो क्विक सर्वेज होते हैं आपके 5 से 10 मिनट वाले, वो तो कम ही आते हैं। जो आते हैं वो इजिली कम्प्लीट हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। जो मेन है यहाँ पे प्राइमरी सर्विस, वो मैं आज आपको कंप्लीट करना सिखाने वाली हूँ। अगर आपको क्विक सर्वे पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उन पे भी बना दूंगी। अभी इस वाली वीडियो में मैं आपको प्राइमरी सर्विस करके बताने वाली हूँ, जो कि 10 मिनट से ऊपर के होते हैं। 2000, 2500, 3000 पॉइंट तक के सर्वेज होते हैं। एक तो मैंने सर्वे यहाँ पे 10,000 पॉइंट का भी करा था, जो कि अभी मेरा पेंडिंग में चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 10,000 तक के भी सर्वेज आ जाते हैं, एंड आपको कैसे कंप्लीट करने हैं लाइव सर्वे में कंप्लीट करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये प्राइमरी सर्वे है जो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर सर्वे में सेम पूछे जाते हैं, उनके क्या आंसर आपको देने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद आपके प्रोफाइल से रिलेटेड सर्वे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है आपकी। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। जो आपने ट्रोलोना की प्रोफाइल बनाई थी तब आपने जो जो यहाँ पे फिल किया था, वही आपको वहाँ पे फिल करना है। क्या क्या फिल करना है, कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप मेन सर्वे पेज पे पहुंच जाते हैं, तो आपको वो कैसे करना है सब कुछ मैं आपको लाइव बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ही ज्यादा होने वाली है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लास्ट में मैं आपको वीडियो के एक ऐसी टिप भी देने वाली हूँ जिससे आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सर्विस कंप्लीट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं हमें कैसे सर्विस को कंप्लीट करना है। लेट गेट स्टार्टेड। सो ये हमारी टोलोना एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए इस एप्लीकेशन में। इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन का। टॉप में ही आपको यहाँ फ्रंट पेज में ही सर्विस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं हिस्ट्री में दिखा देती हूँ अपनी अकाउंट की। मैंने यहाँ से देखे कितने सारे सर्विस कंप्लीट करे हैं, 2000 पॉइंट के, 1600 पॉइंट के, 2500 पॉइंट के, 3000 पॉइंट के, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे 5000 और 10000 पॉइंट के सर्वेस भी कंप्लीट करे हैं। 10000 वाला जो मेरा सर्वे है वो मैंने 1 महीने पहले किया था, वो अभी पेंडिंग में है, क्योंकि वो क्या है लंबे समय तक चलने वाले सर्वे होते हैं जो ज़्यादा पॉइंट के होते हैं, इसलिए वो अभी पेंडिंग में है, बट उसके भी पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे सर्वेस यहाँ कंप्लीट करे हैं। आपको भी कैसे कंप्लीट करने हैं सर्वे, चलिए जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना रिवॉर्ड हिस्ट्री दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए कई बार रिडीम लगाया है, यहाँ पे मैंने पेटीएम में भी रिडीम लगाया है, पेपल अकाउंट में भी लगाया है, गिफ्ट कार्ड में भी लगाया है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के। तो ये काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, आपको अर्निंग देती है। बात करें सर्वे की, तो यहाँ पे प्रीमियम सर्वे है जो वो मैं कंप्लीट करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए 2500 पॉइंट का एक सर्वे है जो मैंने पहले कंप्लीट किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट करा मैंने यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन शुरू में आते हैं। यहाँ पे बिग से जो रिलेटेड वर्ड है वो सिलेक्ट करना है आपको। इस तरीके
तरीके से इनसे रिलेटेड वर्ड है ये सिलेक्ट करने हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यस एंड नो आता है तो आपको नो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर सारे सर्वेज में आते हैं तो इनका सेम ही आपको आंसर देना है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है यही लिख के स्टार्ट करते हैं हम सर्वे को, इसके बाद एग्री करते हैं। देन आपके प्रोफाइल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपकी एज, जेंडर, जो काम वाम करते हैं, तो यहाँ पर आपको वही सब फिल करना है जो आपने टोलोना की प्रोफाइल बनाते समय जो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो प्रोफाइल बनाते समय आप दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं सिटी में, इसके अलावा आप अपने आप को ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं घर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर यस सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ प्रोफाइल के क्वेश्चन हो गए। देन जो क्वेश्चन आता है उसी पे सर्वे रिलेटेड होते हैं, जैसे पे पूछा जा रहा है 6 मंथ में लास्ट मैंने क्या क्या यूज़ करा है, तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर देने हैं क्योंकि इनमें से किसी के ऊपर भी ये सर्वे हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ सारे सिलेक्ट करे थे तो यहाँ पे सिरप के ऊपर ये सर्वे निकला है, तो अगर मैं सिरप सिलेक्ट नहीं करती तो यहाँ से मुझे निकाल दिया जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाती मैं, इसलिए मैंने कहा है आपको सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने। देन यहाँ पे मेरे से सिरप की जो है ब्रांड वगैरह पूछी जा रही है, लास्ट 3 मंथ में मैंने कौन सी यूज़ करी है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ ब्रांड सारी नहीं करनी है। अगर पूछा जाए कि ब्रांड से अवेयर है कि नहीं तो आप ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे सारी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जब यूज़ की बात आती है तो आपको कुछ ब्रांड्स ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट कर ली है, एंड ये जो मेरा सर्वे है मेन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सर्वे के इस पॉइंट तक आ जाते हैं तो आपका सर्वे है जो कम्प्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इस ब्रांड से जिस भी ब्रांड से रिलेटेड आपका सर्वे स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मेरा सिरप से रिलेटेड हुआ है, तो यहाँ पे आपसे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आप जो है आंसर देते जाएंगे, तो इजीली ये सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो, जब किसी भी ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो रिव्यू देने हैं, नेगेटिव ज़्यादा नहीं देने, थोड़ा बहुत दे सकते हैं बट आप पॉजिटिव देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पॉजिटिव ही यहाँ पे रिव्यू देती जा रही हूँ, नेगेटिव नहीं देने हैं। इस तरीके से पूछा जाता है क्या क्या आपको लाइक है, क्या पसंद है इस ब्रांड के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कुछ कुछ अपने हिसाब से, बट जब डिसलाइक की बात होती है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप नथिंग लिख दीजिए, थोड़ा बहुत लिख दीजिए बट ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, नथिंग लिखेंगे वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप ना लिखें, बुराई ना करें किसी ब्रांड की, अच्छा ही करें एंड अच्छा अच्छा रिव्यू दें, तो आपका सर्वे यहाँ पे इजीली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो मेनली ये 3 पार्ट थे सर्वे के जो मैंने आपको दिखाए हैं, इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन है वो करने हैं, प्रोफाइल क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, देन आपका जो मेन सर्वे है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, देन उसको आपको कंटिन्यू करना है एंड इस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते जाना है एंड इस सर्वे को कंप्लीट कर लेना है। तो ये इजी है, यहाँ पे अगर सर्वे आपका यहाँ तक हो गया है तो आपका इजीली सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये सर्वे कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से सर्वे ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने टोलोना एप्लीकेशन में, यहाँ पे भी पेंडिंग में चला गया है ये, कुछ समय बाद आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे भी मुझे 2500 पॉइंट मिल चुके हैं, सर्वे मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक सर्वे और है जो 2000 पॉइंट का मैंने कंप्लीट किया था, इस तरीके से ही वो सर्वे था। यहाँ पे ये सर्वे है जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है उससे रिलेटेड सर्वे था, तो आपको यहाँ पे सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेटिंग वगैरह आपको अच्छी देनी है, यहाँ पे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, एंड आप इजीली सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं इस वाली ट्रिक का यूज़ करके। इसके अलावा कुछ अलग तरीके के सर्वेज आते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो सर्वे के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये सर्वे तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, मुझे यहाँ से 2000 पॉइंट मिल गए थे, एरर शो हो रहा था इस सर्वे में, बट जब मैंने कंप्लीट किया तो यहाँ पे मुझे देखिए कुछ टाइम बाद 2000 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे एक और उसके बाद 2000 पॉइंट का सर्वे था, इसको मैंने लगातार ये 3 सर्वे कंप्लीट करे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2000 पॉइंट का दोबारा से शुरू किया सर्वे। तो यहाँ पे बिगनिंग तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको वर्ड सिलेक्ट करने हैं, नो नो करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। देन आपसे पूछे जाएंगे प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनके आपको जवाब दे देने हैं।
एग्री करके यहाँ से सर्वे को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से मेन सर्वे पेज देखिए ओपन हो गया है। अब जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोफाइल के क्वेश्चन के बाद, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे जो अपना बजट है वो ना ज़्यादा दिखाना है ना कम दिखाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप पढ़ के यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्या है सर्वे में किसी में पार्टिसिपेट किया है कुछ मंथ पहले, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। आपसे किड्स के बारे में पूछा जाएगा आप मैरिड हैं कि नहीं, तो आपको लिखना है कि आप मैरिड हैं। किड्स पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि 2-3 साल का किड है आपके पास, मतलब बच्चे हैं आपके पास, ताकि आपको बच्चों से रिलेटेड सर्वे भी यहाँ मिल पाए। तो यहाँ पे मेरे रियल एस्टेट से रिलेटेड ये सर्वे जो है स्टार्ट हो गया है। सो यह सर्वे के बीच में किस तरीके का क्वेश्चन बीच बीच में आ जाता है जो कि आपके अटेंशन चेक करने के लिए होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको यही आंसर देना है, तो इसका आप केयरफुली जो है क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दिया कीजिए। नहीं तो अगर आपने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि उसका पर्टिकुलर आंसर वही देना होता है जो लिखा होता है। तो आपको जो है अटेंशन चेक करने के लिए बीच बीच में सर्वे में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपका जो है ध्यान से उसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। इसके अलावा तो यहाँ पे सर्वे जब मेन स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन कई सारे होते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट कर करके यहाँ सर्वे को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बट आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप बीच में डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। बाकी आपको नॉलेज कम हो तब भी आप वो सर्वेस कर सकते हैं। जैसे ये वाला सर्वेस की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे सर्वे कर लिया है। ऑप्शन जो थे उससे रिलेटेड मैंने सिलेक्ट कर करके अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें लिख के यहाँ पे पॉजिटिव मैंने रिव्यू दे दिए, एंड इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सर्वे जो है कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्वेज में बीच में इस तरीके की एडवर्टीज़मेंट दिखाई जाती है आपको, तो आपको एडवर्टीज़मेंट देख के यहाँ पे लिखना है कि मैंने ये देखी हुई एडवर्टीज़मेंट, एंड आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सही बताएं, अगर नहीं भी देखी होगी तो आपने रेंडमली सिलेक्ट करके लिख दीजिए, बट ना कहिए, आपको यस बोलना है एंड जो है कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, तो आपका यहाँ पर सर्वे अच्छे से हो जाएगा। ऐड से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है कि ये ऐड आपको कैसी लगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि अच्छी लगी है या फिर मैं प्रोडक्ट ख़रीदना चाहती हूँ, तो पॉजिटिव ही बातें लिखें, नेगेटिव ना लिखें। फीडबैक भी मांगा जाए तो आप पॉजिटिव चीज़ें लिखें कि इस ब्रांड में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो मेरी ये टिप्स फॉलो करके अगर आप सर्विस करेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा सर्वे क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको 3 सर्वे लगातार क्वालिफाई करके दिखाए हैं, 2000 पॉइंट के एंड 2500 पॉइंट के। यहाँ पे ये सर्वे भी मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड इससे भी मेरे को यहाँ पे 2000 पॉइंट है जो मिल चुके हैं। सो यहाँ मैंने ये 3 सर्वे एक ही दिन में कंप्लीट करे हैं, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी टिप्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप यहाँ से ज़्यादा सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में बात आती है उस टिप की जो मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा सर्वे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप रात को सर्विस जो है वो अटेम्प्ट किया कीजिए, जिससे आपके चांस बढ़ जाते हैं सर्विस को क्वालिफाई करने के। इसलिए अगर आप रात को सर्विस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे यहाँ कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप किसी एक भी ऐप या वेबसाइट के भरोसे ना रहे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप मल्टीपल ऐप्स एंड वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और भी सर्वे अर्निंग वेबसाइट एंड ऐप्स का, उन पे काम करके आप यहाँ से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके